हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ ग्लोब्स एंड मैप्स। तो इसमें हम फर्स्टली पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी थोड़ा पढ़ा था कि जो ये ग्लोब का एक स्ट्रक्चर था वो मार्टिन बहमीन ने दिया था, जो कि एक 3D डायमेंशनल मॉडल है जिसमें उन्होंने कंप्लीट जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशन हैं, उन सबको डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी विद वेरी पेक्यूलर फीचर्स ऑफ एंटायर अर्थ। तो उन्होंने इसमें ये बताया था। फिर जब ये ग्लोब बना तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी आई होंगी, जिसमें फर्स्टली तो आती है कि ये बहुत ही ज़्यादा बल्की होता है। बल्की मतलब कि उसको कैरी करना बहुत मुश्किल है, कि वन प्लेस से अनदर प्लेस पे लेके जाना, इट्स वेरी आर्डस। अनदर थिंग इज़ कि डिटेल रिगार्डिंग लैंड फॉर्म्स, लोकेशन, स्मॉल टाउन्स, वो बिल्कुल जो पिक्यूलियर चीज़ें होती है, पिक्यूलियर डिटेलिंग होती है, इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। मोर ओवर अबाउट द वेजिटेशन, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, तो वो सब कुछ जो छोटी छोटी डिटेलिंग होती है वो ग्लोब में नहीं दी जा सकती। अब इन सारी डिसएडवांटेजेस को कवर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए मैप को इंट्रोड्यूस किया गया। अब मैप में क्या होता है, आपने देखा होगा कि ऐसे एक डायग्राम टाइप का एक बना होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसमें हम डिफरेंट डिटेलिंग्स प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट फीचर्स, कि जैसे फिजिकल फीचर हो गया, किसी सिटीज़ हो गई, रोड्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो हम मैप के थ्रू वो दिखाते हैं। अब मैप के भी कुछ ना कुछ प्रो कॉन्स होंगे, लाइक मेरिट्स और डीमेरिट्स होंगे, जैसे ग्लोब की थी। तो फर्स्ट उसकी एडवांटेजेस क्या आती है कि बहुत इजी होता है इसको हैंडल करना, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, यू कैन ईजिली कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें हम जो भी हमें डिटेलिंग शो करनी होती है, कॉन्टिनेंट्स हो गए, कंट्रीज़ हो गई, सिटीज़, कोई भी लोकल एरिया, वो ईजिली शोकेस कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम इसका एक 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते जो कि हम ग्लोब में दिखा सकते हैं। प्लस व्हेन इट इज़ ड्रॉ द शेप एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन गेट डिस्टॉर्टेड, बिकॉज ये एक पेपर पर बनाया गया था जो कि फ्लैट इन शेप होता है, नॉट इन अ सर्कल शेप, तो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स और जो ओशन की जो फिगर है वो कंप्लीट नहीं आ पाती है, वो गोल ना होने की वजह से। तो ये इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स थे। इफ़ यू सी दिस पर्सन, ही इज़ ग्रेटेस्ट मार्केटर, दिस वन, ये मैथमेटिशियन थे और कार्टोग्राफर भी थे, एंड अनदर वन जॉर्डस हॉर्टियस, इन दोनों ने मिलके क्या किया था, मैप को ड्रॉ करने की कोशिश की थी और उन्होंने अलग अलग मैप की पूरी एक कलेक्शन करके बुक क्रिएट की थी। एंड ये डच से थे और इन्होंने ऐसे बनाए थे ओल्ड मैप, इफ़ यू सी हिज नेम ऑल्सो। एंड ये आजकल का हमारा जो 3D मैप, 3D फॉर्म में जो हमारा मैप आता है जिसमें प्रॉपर कलरिंग दी होती है, अलग अलग हर एक चीज़ को शोकेस किया जाता है। पहले उन्होंने वो खुद से ड्रॉ करने की कोशिश की थी, वो द पर्सनालिटीज। अब आता है कि हमारे मैप्स कितने टाइप के होते हैं। यूजुअली हम ये दो टाइप के मैप पढ़ते हैं, पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप, बट एक्चुअली वी हैव मोर देन दीज टू कैटेगरीज ऑफ मैप्स। फॉर अनदर वन इज टोपोग्राफिकल मैप, क्लाइमेटिक मैप, टूरिस्ट मैप एंड थीमेटिक मैप। ये आई गेस मिसपेल है यहाँ पे, थीमेटिक होता है वो, इट्स एम नॉट पी। ओके, तो हमारे ये इतने टाइप के मैप्स होते हैं। फर्स्ट इज पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, ये डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज को शो करता है, डिफरेंट कंट्रीज की। ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, एंड इफ़ यू एबल टू सी, ये हमारा स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, देन हिमाचल प्रदेश, देन हमारा इधर आ जाता है पंजाब, हरियाणा, तो ये प्रॉपर राजस्थान, ये प्रॉपर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की इधर बाउंड्रीज के दिखा के ये हमारा पूरा का पूरा पॉलिटिकल मैप बनता है। सेम ऐसे ही वर्ल्ड का एक पॉलिटिकल मैप भी आता है। फिजिकल मैप में क्या होता है कि हम इस वाले मैप में मेजरली जो हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, हमारी वाटर बॉडीज होती है, ओशंस होते हैं, उन सबको दिखाते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। देन टॉपोग्राफिकल मैप में एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिया जाता है ओनली अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन, वेदर इट इज़ मैन मेड और नेचुरल। वेजिटेशन का मतलब उस पूरे के पूरे एरिया में कितने हमारा स्मॉल एरिया है जो कि नेचुरल ही ग्रीन है, लाइक वहाँ पे वेजिटेशन किस टाइप की है,
तो ये हमारा टॉपोग्राफिकल टॉपोग्राफी को शोकेस करता है. इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर एरिया, इस वाले में आपको ग्रीन 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 दिख रहा होगा पूरा ये रशिया वाला पोर्शन, इधर आपको ग्रीन दिख रहा होगा पूरा नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन, साउथ अमेरिका वाला पोर्शन, अफ्रीका के इस पार्ट में दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया के इस कंप्लीट पार्ट में आपको दिख रहा होगा. दैट मीन्स यहाँ की जो टॉपोग्राफी है वो यहाँ की जो वेजिटेशन है ये उसको शोकेस कर रहा है, इधर ये लैंड मास को शोकेस कर रहा है, इधर ये पूरा का पूरा पूरा ओशंस को शोकेस कर रहा है. तो टॉपोग्राफिकल मैप में ये दिखाते हैं. क्लाइमेटिक मैप में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये हमारा सबके मोबाइल फ़ोन में, वन ऑन वन होता ही है ये क्लाइमेटिक मैप. तो इस मैप के थ्रू वो दिखाते हैं कि इस एक पर्टिकुलर एरिया में कितना टेम्परेचर है, वहाँ पे कितनी रेनफॉल होने वाली है, सनलाइट कितनी है, कोई थंडर या स्ट्रॉम तो नहीं आ रहा है. तो वो हम क्लाइमेटिक मैप के थ्रू दिखाते हैं. एंड इन प्रेजेंट सिनेरियो दिस मैप इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप अमंग ऑल दीज कैटेगरीज. अनदर वन इज़ टूरिस्ट मैप. इट इज़ ऑल्सो बिकम क्वाइट पॉपुलर इन प्रेजेंट सिनेरियो बिकॉज टूरिज्म हैज़ इंक्रीज्ड इमेंसली. तो टूरिस्ट मैप में हम जो शोकेस किया जाता है वो पर्टिकुलर एरिया के, इफ़ यू लोकेट दीज ऑल दीज नेम्स, तो ये हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, और वो प्लेसेस जो टूरिस्ट के इंटरेस्ट में होते हैं तो उनको हम दिखाते हैं थ्रू टूरिस्ट मैप. एंड इफ़ यू ओपन द टूरिस्ट मैप ऑफ इंडिया यू विल ईजली एबल टू लोकेट वट आर द फेमस टूरिस्ट प्लेसेज इन इंडिया, एंड सम ऑफ द हिडन प्लेसेज आर ऑल्सो शोकेस इन दिस मैप. सो I guess all of you should try this once. Just open it in your mobile phone, type the tourist map of India and you will able to see what are the tourist places in India are. And if you wish, you can visit them also. And the last one is thematic map. Is thematic map mein kya hota hai? Ki hum isme proper ek distribution dikhate hai ki forest kitna hai, mineral kitna hai, industries kitni hai. तो इस मैप से वो दिखाया जाता है. एंड इफ़ यू सी यहाँ पे ये ऐसे करके बता देते कि इतने पोर्शन में हमारा फॉरेस्ट कवर है, इतने पोर्शन में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, इतने पोर्शन में मिनरल डिपोजिशन है. तो इसके थ्रू हम थीमेटिक मैप के थ्रू दिखाते हैं. तो मैप्स यूज़ किस लिए किए जाते हैं? सो फर्स्ट इज़ कि हम यूजली अब थोड़ा सा पेपर मैप का यूसेज जो है वो थोड़ा कम हो चुका है बिकॉज ऑफ GPS. बट उससे हम यूजली क्या करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि डायरेक्शंस को पता करना बहुत ईजी हो जाता है कि हमें कहाँ पे जाना है. ये पूरे के पूरे अर्थ का एक सरफेस होता है, मॉडल सरफेस जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे प्लेसेस को लोकेट करना और उनकी फीचर्स को फाइंड आउट करना, लाइक द टॉपोग्राफिकल फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, वो बहुत ईजी हो जाता है. तो यूजली हम मैप्स इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैप. आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आपको डिटेल्ड आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के हम मैप होते हैं हमारे और हम किस तरह उनको यूज़ कर सकते हैं. विद दिस नोट आई एंड दिस वीडियो. टेक केयर, बाय.